New Oxford Modern English Book, Class 7th. Poem, The Home and Love. Written by Robert William Service. अब मैं इसमें कुछ पोएट के बारे में बता रही हूँ और इस पोएम के बारे में भी. ये जो रॉबर्ट विलियम सर्विस थे, वो उनके पिताजी बैंकर थे, वो खुद भी बैंकर हुए और वो कनाडा गए, वहाँ से कैलिफोर्निया. लेकिन उनको जब राइटिंग पोएम स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने एक कलेक्शन लिखा, फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन कॉल्ड राइम ऑफ अ रोलिंग स्टोन. और ये जो पोएम ली गई है, होम एंड लव, ये उसी कलेक्शन का एक हिस्सा है, राइम ऑफ अ रोलिंग स्टोन. और ये जो पोएट हैं, उनकी लाइफ भी यही थी. उनकी ये जो टाइटल है होम एंड लव, वही उनकी पूरी लाइफ को सम अप करता है. और नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पोएम. जस्ट होम एंड लव, द वर्ड्स आर स्मॉल, फोर लिटिल लेटर्स अनटू ईच. यहाँ पे जो लेटर्स हैं, कौन से, एक होम और दूसरा लव. ये अक्षर बहुत छोटे से वर्ड्स हैं बोलने में. होम यानी घर, लव यानी प्यार, ये बोलने में बहुत छोटे वर्ड्स हैं. और हर एक, दोनों जो अक्षर हैं, वो चार लेटर्स का बना हुआ है. जैसे होम में एच ओ एम ई, फोर लेटर्ड वर्ड. लव भी एल ओ वी ई. यानी दोनों जो वर्ड्स हैं वो फोर लेटर वर्ड्स हैं. हर एक वर्ड जो है, दोनों अन टू इच, अन टू यानी टू, हर एक वर्ड को जो है वो फोर लेटर्स से ही बना हुआ है, होम भी एंड लव भी. एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल, एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल द वाइड एंड ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच. लेकिन इतना छोटा वर्ड होने के बाद भी इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता. येट यानी फिर भी, ये ही जो है उसी के अंदर सब कुछ है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. ये वाइड, इसका मतलब बहुत बड़ा है. ग्रेशियस यानी जिसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है. हमारे पास जितने अक्षर हैं इस दुनिया में, पूरा जो हमारा रेंज ऑफ स्पीच है, जितने वर्ड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उन पूरे वर्ड्स में ये दोनों वर्ड्स जितना खूबसूरत और अच्छा और बड़े मीनिंग वाला वर्ड कोई नहीं है. टू मोर सो टेंडरली कम्प्लीट. दो जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में फुलफिल हैं, अपने आप में कम्प्लीट हैं. व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव, जब भगवान के फरिश्ते, एंजल्स यानी ऊपर जो भगवान के बैठे हुए फरिश्ते हैं, जब वो भी स्वर्ग में बैठ के बात करते होंगे या करते हैं, आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट देन होम एंड लव. उनके पास भी कोई और अक्षर इतना स्वीट और इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि ये दो वर्ड्स हैं, दैट इज़ होम एंड लव. इस पोएम में यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, जो प्यार है और जो घर है, वो दोनों ऐसे हैं, अगर जिसको वो दोनों अच्छे हैं या जो जिसके पास वो दोनों हैं, उससे बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता. उनके अपीरियंस को बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत डिस्क्राइब किया है कि भगवान के फरिश्ते भी अगर कुछ चाहते होंगे तो इसी चीज़ को चाहते होंगे, दैट इज़ होम एंड लव. Just home and love, it's hard to guess which of the two were the best to gain. इन दो वर्ड्स में अगर हम लोगों को गेस करना है, हमको सपोज करना है, हमको कुछ ढूंढना है कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है. अगर हम which of the two were best to gain, इन दोनों में से क्या अगर हम गेन कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो बहुत अच्छा होगा. तो ये शायद दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम होगा कि हम होम और लव में से किसी एक चीज़ को लेना चाहें, बेस्ट हम गेन करना चाहें. होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस. ये लाइन का मतलब बहुत ही सुंदर है. घर बिना प्यार के एक कड़वाहट है, बिटरनेस यानी अगर घर में प्यार नहीं है तो वो ज़िंदगी की कड़वाहट है. अगर हमारा घर में
विदाउट लव द होम घर है, लेकिन घर में कोई एक दूसरे को प्यार नहीं करता, अगर होम विदाउट लव है तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कड़वाहट होगी, इससे कुछ ख़राब और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी लाइन है, लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन, पर प्यार भी है लेकिन उसमें घर नहीं है, अगर प्यार जो है उसको घर के बिना है तो वो भी बहुत दुखदाई होता है, अगर प्यार है पर हम उसको घर न दे पाए तो वो भी एक सबसे बड़ी दुखियारी बात हो जाती है। नो ईच अलोन विल सेल्डम डू, नो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक भी सब पूरा कर सके, एक अलोन से सब कुछ हो सके, ये पॉसिबल नहीं है, होम और लव दोनों होना ही चाहिए। सम हाउ दे ट्रैवल हैंड एंड ग्लो, इस चीज़ को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, जैसे हाथों में ग्लोव्स पहने जाते हैं, ग्लोव्स हाथों के बहुत करीब होते हैं, तो उसी तरह होम और लव ये दोनों भी साथ में ट्रैवल करते हैं, चाहे कैसे भी ट्रैवल करें, हैंड एंड ग्लोव में से एक को अलग नहीं किया जा सकता। होम एंड लव इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत क्लोजर रिलेशन है। इफ़ यू विन वन यू मस्ट हैव टू, अगर तुम एक को पाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारे पास दो होने ही चाहिए। एंड इफ़ यू हैव बोथ, और अगर भगवान ने तुम्हारे नसीब बहुत अच्छा किया और तुम्हारे पास दोनों हैं, वेल देन आई एम श्योर, तो पोएट बोल रहे हैं तो मैं एकदम श्योर हूँ, यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग, तुम पूरे दिन बहुत अच्छे गाना गाना चाहोगे। जब इंसान खुश होता है तो सारा दिन गाना खुश रहना चाहता है, उस खुशी के गाना गाना चाहता है, टू सिंग मोने, तुम खुशी में सारा दिन गाते रहोगे। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम गरीब हो चाहे तुम अमीर हो, तुम किसी भी अवस्था में हो, लेकिन अगर तुम्हारे को होम और लव ये दो चीज़ें मिल जाती है तो तुम हमेशा खुश रहोगे। विद दीज टू मेक डिवाइन यू सॉन्ग, ये जो वर्ड्स हैं कौन, होम और लव, ये दोनों जो हैं वो हमारे को भगवान अंदर से उससे खुशी की आवाज़ निकलती है, डिवाइन मतलब अंतरात्मा भी उससे गाना गाने लगती है। एंड सो आई प्रेसफुली रिपीट, और इसलिए पोएट बोलते हैं कि मैं प्रेसफुली यानी बहुत खुश होके बहुत खुशी से प्रशंसा करना चाहता हूँ और बार बार रिपीट करना चाहता हूँ। व्हेन एंजल टॉक्स इन हेवन अबो, जब ऊपर भगवान के फरिश्ते भी आपस में बात करते होंगे स्वर्ग में, देर आर नो वर्ड्स वर सिंपली स्वीट, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा दुनिया में जो इससे ज़्यादा मिठास भरा या बहुत अच्छा होगा, वो है होम एंड लव। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट William Service.